प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है समाचार और विचार। दोस्तों, एक परंपरा बन गई है आजकल कि समाचार में विचार मिलाया जा रहा है। समाचार पत्र हो चाहे समाचार समिति हो, दोनों में हम प्रायः देखते हैं कि समाचार में विचार मिला दिया जाता है, जो एक बहुत ही प्रश्नात्मक मुद्दा है कि क्या समाचार में विचार मिलाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं और एक बहुत पुरानी इसकी एक परंपरा है कि समाचार स्वतंत्र है, समाचार पवित्र है और विचार स्वतंत्र है। यानी कि जब हम समाचार में विचार मिलाते हैं तो कई बार समाचार की पवित्रता नष्ट हो जाती है, कई बार समाचार की वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी भी नष्ट हो जाती है, और इस कारण से समाचार का जो उद्देश्य होता है वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं कि कब से ये परंपरा ज़्यादा गति पकड़ी। यूँ तो थोड़ी बहुत विचार मिलाने की परंपरा बहुत पहले से थी, लेकिन जब दूरदर्शन आया और समाचार पत्र को दूरदर्शन से खतरा महसूस होने लगा, तब यह परंपरा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। दोस्तों, यहाँ यह बताना गौरतलब है कि जब दूरदर्शन आया था और उसमें जब समाचार दिखाया जाने लगा तो समाचार पत्रों को काफ़ी खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि जब एक दिन पहले ही कोई क्रिकेट का मैच है या कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज है उसको पूरा जब दूरदर्शन पर दिखा दिया जाता था तो संपादकों को यह भय होने लगा कि दूसरे दिन जब मैं उसको एक समाचार के रूप में छापूंगा तो किस प्रकार से वह पाठकों पर अपनी छाप छोड़ पाएगा, और इस कारण समाचार पत्र पर एक संकट के बादल मंडराने लगे। तब सभी संपादकों की बैठक हुई, यानी कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की बैठक हुई, और उन्होंने निर्णय लिया कि हम तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पास एक ज्ञापन पेश करें जिसमें यह निवेदन किया जाए कि दूरदर्शन पर समाचार नहीं दिखाया जाए बल्कि मनोरंजन के मुद्दे दिखाए जाएं। ऐसा ज्ञापन जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने विचार करने के बाद इसको रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, दूरदर्शन का उद्देश्य है कि उसमें हम समाचार भी देंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, मनोरंजन सभी का एक पैकेज है दूरदर्शन, इसलिए समाचार को हम उसमें हटा नहीं सकते। इसके बाद समाचार पत्रों ने और समाचार समितियों ने अपना रुख बदला और वह समाचार में हार्ड न्यूज़ के साथ सॉफ्ट न्यूज़, न्यूज़ एनालिसिस, बैकग्राउंडर, न्यूज़ विथ व्यूज़ की परंपरा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। सबसे पहले हिंदी के अखबार राष्ट्रीय सहारा में देखा गया कि इस प्रकार का परिवर्तन है, फिर यहाँ तक कि हिंदू जैसे अखबार ने भी समाचार में विचार, न्यूज़ एनालिसिस, बैकग्राउंडर, ये तो आ ही रहा, बढ़ ही गया, सॉफ्ट न्यूज़ भी बढ़ा, हर पेज पर कुछ हार्ड न्यूज़ तो कुछ सॉफ्ट न्यूज़, तो न्यूज़ एनालिसिस, इस तरह की चीज़ें। कई बार धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ये एक अस्वास्थ्यकर परंपरा है, समाचार को इस प्रकार से लिखा जाने लगा मानो संपादकीय लिखा जा रहा हो, एक रिपोर्टर एक संपादकीय लिख रहा हो, और पूरी तरह समाचार की वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी नष्ट होने लगी। तो यह एक विवादास्पद विषय बन गया कि क्या समाचार में विचार मिलाना चाहिए, शुड वी मिक्स न्यूज़ विथ व्यूज विच द न्यूज़ पेपर्स आर डूइंग, द न्यूज़ एजेंसीज आर डूइंग। दोस्तों, मैंने अभी अभी बताया कि समाचार पवित्र होता है और विचार स्वतंत्र होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक बार यह आरंभ किया था कि जब समाचार छापने के बाद नीचे में उन्होंने रिपोर्टर्स के कमेंट देने शुरू किए थे, क्योंकि रिपोर्टरों को भी यह तक कष्ट होता है कि वो इतनी मेहनत से समाचार लाते हैं तो कुछ उनके भी विचार आए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह प्रयोग किया था और कुछ माह यह प्रयोग हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। हालांकि उसमें भी विचारों को अलग रखा गया था, तो एक बहुत अच्छा सोचा समझा हुआ एक नीति थी, लेकिन वह चल नहीं पाई। बहरहाल आज समाचार पत्रों में और समाचार समितियों में यह टेंडेंसी बहुत क्वेश्चनेबल हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूज़ इज़ द मदर ऑफ व्यूज़,
न्यूज क्रिएट्स व्यूज, न्यूज क्रिएट्स रिव्यूज, प्रीव्यूज, इंटरव्यूज, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल। तो अगर व्यूज न्यूज से निकलता है तो चलो कुछ हद तक ये स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन अगर न्यूज व्यूज पर आधारित हो तो यह एक प्रकार का अभिशाप है। दोस्तों यहाँ यह बताना आवश्यक है कि जब हम समाचार को सामान्य रूप में रखते हैं तो कई औसत पाठक उस पर सोच नहीं कर पाता, उस पर चिंतन नहीं कर पाता। इसलिए भी संपादक लोग चाहते थे कि समाचार में कुछ विचार मिलाया जाए ताकि औसत पाठक इससे लाभान्वित हो। लेकिन अभी अभी मैंने बताया और मेरे विचार में जब हम विचारों पर आधारित समाचार लिखते हैं तो ये बहुत खतरनाक है, यह एक अभिशाप के समान है। लेकिन जब हम समाचारों पर आधारित विचार लिखते हैं तो यह स्वागत योग हो सकता है, इसमें रुचि भी है, इसमें इसकी वस्तुनिष्ठता भी नष्ट नहीं होती और विचार भी स्वतंत्र रहता है। तो दोस्तों जब भी हम समाचार में विचार मिलाते हैं, चाहे वो न्यूज़ एनालिसिस हो, चाहे बैकग्राउंडर हो, चाहे सॉफ्ट न्यूज़ हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी क्यों ना हो, हमें समाचार की पवित्रता को बरकरार रखते हुए, विचार को स्वतंत्र रखते हुए समाचार की वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि समाचार के जो पवित्र तत्व हैं, तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, वस्तुनिष्ठता, संतुलन, न्यायप्रियता, ये कोई नष्ट ना हो। यानी कि वाइल मिक्सिंग द व्यूज वी मस्ट पे स्पेशल अटेंशन दैट फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यूज शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, शुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो मित्रों मैंने संक्षेप में आपको समाचार बनाम विचार, समाचार और विचार, क्या समाचार में विचार मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए तो कैसे मिलाना चाहिए, किस रूप में मिलाना चाहिए, इस पर आपके समक्ष संक्षेप में बातें बताई। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, आप किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप बेहिचक निसंकोच अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।